तेलंगाना में चला राहुल गांधी का मैजिक। तेलंगाना में कदम रखते ही एक साथ 10 नेताओं ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। जी हां, आपको बताया चले कि कांग्रेस ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका दिया। पूर्व सांसद श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपाली कृष्ण राव समेत 10 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी का दामन थामा है। इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के तेलंगाना प्रभारी मणिकराव ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी मौके पर मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इसके अलावा एआईसीसी कार्यालय में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की और पार्टी के नए नेताओं का स्वागत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डराने धमकाने और प्रतिशोध की राजनीति से नहीं डरती। पीएस रेड्डी और कृष्णा राव के अलावा पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी, पूर्व विधायक एवं सेवराज जिला परिषद अध्यक्ष कोराम कन्हैया, पूर्व विधायक पायम वेंकटेश्वर, डीसीबी पूर्व अध्यक्ष मुवावेंट विजया बेबी, एसीसी कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष पिदमार्थी रवि, वर्तमान डीसीबी अध्यक्ष थलुरु ब्रह्मैया, वर्तमान राज्य उपाध्यक्ष बोरा राजशेखर और अन्य लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बताई चले कि इन दोनों नेताओं के अलावा एमएलसी दामोदर रेड्डी, पूर्व एमएलए समेत करीब 1.5 दर्जन नेता कांग्रेस में आज शामिल हो गए, जिनका राहुल गांधी ने पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया है। बताई चले कि कर्नाटक जीत के बाद जिस तरह तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस में कांग्रेस ने सेंध लगाई, इससे मुकाबला दिलचस्प हो गया। तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां अब लगातार तैयारियां करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट। कर्नाटक से शुरू हुई हो ऐसी बात नहीं, बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई और धीरे धीरे एक तूफान के रूप में दिखाई दे रही, और जब तूफान आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कर्नाटक में आपने देखा क्या बदला। अब आने वाले 6 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उस वक्त जो संघर्ष किया वो आप सबके सामने है, और कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने तेलंगाना दिया। आज काफी महत्वपूर्ण नेता, तेलंगाना के बहुत महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस का दामन के साथ जुड़ रहे हैं। अभी इन सब की मुलाकात हुई, लंबी वार्ता हुई कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, हमारे जो इंचार्ज हैं वहाँ माणिकराव ठाकरे जी से। अपने ये कारण बताएं कि ये क्यों इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। उससे पहले मैं मेरे साथी पूर्व सांसद मधु गौड़ यास्की साहब से निवेदन करूंगा कि वो तेलुगु में इनका परिचय भी देंगे और तेलुगु में आपसे कुछ बात भी रखें।